हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही पीसफुल वाला लोकेशन के तलाश पर, जिसका नाम है दूरबीन टिल्ला। सूत्रों के अनुसार हमें यहाँ से चढ़ना है। चलो, इजी इजी खींच रहा है ये बाइक, आराम से खींच रहा है वो, नो चाप एट ऑल। खुशखबरी दे देता हूँ, TVS रॉनिन पर मिल रहा है आपको 10,000 रुपीज का डिस्काउंट। ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत ऑसम लगा, इससे भी ज्यादा ऑसम इसका टेल लैंप मेरे को लगा है। स्पेसशिप लगता है बॉयज, स्पेसशिप क्या मस्त लग रहा है भाई। आप विजिट कीजिए शुनाई रोड का करंट TVS, तो आपको ये 10,000 रुपीज का जो इंस्टेंट कैश डिस्काउंट है वो जरूर से मिलने वाला है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सिलचर आने के बाद पहला वीडियो होने वाला है। द टाइम इज, ब्राइटनेस कम है, 4:51। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे पास है TVS रॉनिन निम्बस ग्रे कलर। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसके सामने आपको गोल्डन कलर का USD फोक्स मिल जाता है। दिस इज द हेडलाइट, काइंड ऑफ ये ट्रायम का याद दिलाता है। बाकी बाइक तो भाई चलाने में बहुत स्मूथ है, बहुत बेजी साउंड है। जस्ट लेट मी शो यू द एग्जॉस्ट नोट। पूरा धूप में भी अच्छा विजिबिलिटी दे रहा है। एंड बाकी का सारा इंफॉर्मेशन ये दिखा रहा है, जैसे कि न्यूट्रल, लो फ्यूल, साइड स्टैंड, ABS, इंडिकेटर वगैरह का भी दिखा देता है। यहाँ पे मोड का भी एक बटन मिल जाता है। मोड चेंज एरर आ रहा है शायद से, ये कंपनी पे जाके कुछ करवाना पड़ेगा। एनीवेज, बिना टाइम वेस्ट किए सूरज भी ढलने को उससे पहले इस पे मस्त सा एक मोटो व्लॉग बनाते हैं। लेट्स गो गाइस, फुल पावर। सो बॉयज, लेट्स गो। यहाँ से सिलचर टाउन से हम लोग निकल गए हैं, एंड दिस इज द दूध पातिल वाला ब्रिज। फटाफट से इस ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम सिलचर से टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। यार बड़ा मजा आता है ये वाला ब्रिज मेरे को। तो लो जी, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ब्रिज के उस पार। एंड यहां पर हम लोग जा रहे हैं दूध पातिल के तरफ। एंड इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, वो बहुत ही मस्त है भाई। अब बाइक का बाकी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बाइक एक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 225cc का बाइक है। एंड गियर भी इसका टॉप गियर 5th गियर है। गियर यहाँ पे दिखा देता है। मीटर भी काफ़ी अच्छा जगह पे पोजिशन है। सस्पेंशन हाँ बढ़िया है, थोड़ा सा ऊबर खबर है, इजीली ये एब्जॉर्ब कर रहा है। स्पेशली पीछे वाला बहुत स्मूथ है भाई। स्मूथनेस से याद आया है भाई, इसका गियर जो है इतना स्मूथ गियर है भाई, बटरी स्मूथ जैसे गियर शिफ्ट हो रहा है इसका। मज़ा आ रहा है इसका गियर शिफ्टिंग पे। एंड भाई, इस तरफ आने का मेन मकसद ये है कि रास्ता जो है वो बिल्कुल खाली मिलता है, अच्छा भी मिलता है, पीसफुल भी है भाई, वही बात है। एंड मिरर भी इसका काफ़ी मस्त जगह पे है भाई, विजिबिलिटी इज़ ओके। बाकी इसका टायर सेक्शन जो भी है वो हम लोग कहीं पर बैठ कर अच्छे से बात करने वाले हैं। वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ है, किसी एक के ऊपर अगर बाइक ले जाने का रास्ता मिल गया तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आराम से बैठकर बातचीत करेंगे इस बाइक का। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही पीसफुल वाला लोकेशन के तलाश पर, जिसका नाम है दूरबीन टिल्ला। यहाँ पे पैदल जाने का रास्ता है, मैं पहले भी गया हूँ पैदल, पर बाइक भी जाता है इस पे, मेरे को कुछ दिन पहले ही पता चला। तो आज हम लोग बाइक को ऊपर लेके जाने का प्रयास करने वाले हैं। पैदल जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से है, यहाँ से सीधा आपको बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको मिलेगा दूरबीन टिल्ला। अभी हमें बाइक लेकर जाना है, तो किसी से पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ से रास्ता है क्या नहीं। दादा भाई, क्या दूरबीन टिल्ला टूटा रास्ता था कुंडा, बाइक लिया जाए उठे ए सामने को, तो सामने आ रहा सामने क्या देखो, ऐसा फील्ड है, फील्ड अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू।
दूरबीन टिल्ला वी आर कमिंग, सबको पूछते हुए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हमें यहाँ से चढ़ना है, चलो। इजी इजी खींच रहा है ये बाइक, आराम से खींच रहा है वो, नो चाप एट ऑल। উপরে দূরবীন টিল্লা যাওয়ার রাস্তাটা কোনটা হইব? না না বাইক উঠাইবার রাস্তাটা এইদিকে নি। না না মানে রাস্তাটা এটাই আসলো, ও রাস্তা বন্ধ। আমরা হইলো গিয়ে বাইকের ভিডিও বানাইতাম, বাইক যদি না পোষ আমরা গিয়ে তো লাভ নাই না, এমনি কি তো যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হইতো না। মালিকে বন্ধ করছে তো, চলো আর অন্য জায়গা যেতে লাগবো। ইসিকে সাথ দূরবীন টিল্লা ক্যান্সেল, চলো টিল্লা তক তো পৌঁছ নি পায়ে, লেকিন থোড়া বহুত হমে অফ রোডিং করনে কা মৌকা মিল গিয়া হ্যায়। অফ রোডিং পে ভি আচ্ছাই পারফর্ম কিয়া হ্যায়। बॉयज एंड गर्ल्स जहाँ पर जाकर हम लोग बैठने वाले थे और आराम से बातें करने वाले थे बाइक को लेकर, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए। तो अभी हम लोग सामने किसी अच्छे से लोकेशन पर जा रहे हैं, रोड साइड पे बैठेंगे, अच्छे से बाइक दिखाएंगे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। देयर मस्ट बी ऑलवेज ए प्लान बी, तो वो मेरा प्लान बी था, वही हम लोग अभी पूरा करने वाले। बाइक पे स्लीपर क्लच भी है, तो डाउन शिफ्ट करते वक्त भी बहुत मजा आ रहा है। Everything you had in your heart away, now every day in my arms you stay. Oh, oh, can I hold you? Can I hold you tighter? Tell you maybe someday you'll know. हम लोग एक अच्छा सा, अच्छा तो नहीं बोलेंगे पर एक एवरेज सा लोकेशन पे पहुंच गए, एंड सूरज देवता ने भी अपना ब्राइटनेस कमा लिया, अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पे कोई छाव का सामान भी नहीं है जहाँ पे हमें छाव मिल सकता है। एनीवेज बाइक को पार्क करते हैं, आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखाते हैं बाइक का सिनेमैटिक्स। बॉयज आई होप आपको ये कुछ सिनेमैटिक्स पसंद आया होगा। मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद इस बाइक में एक ही चीज आ रहा है, दैट इज द कलर कॉम्बिनेशन, ग्रे रेड व्हाइट, ऑसम कॉम्बिनेशन। अगर आपने मेरा बाइक को नोटिस किया तो आपको भी मेरे बाइक पे ग्रे व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत ऑसम लगा, इससे भी ज्यादा ऑसम इसका टेल लैंप मेरे को लगा, स्पेसशिप लगता है बॉयज, स्पेसशिप क्या मस्त लग रहा है भाई। इंडिकेटर का भी डिजाइन लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल बाइक से। कमिंग टू इट्स टायर सेक्शन, रेयर टायर आपको 130 mm सेक्शन का मिलता है, फ्रंट टायर आपको 110 mm का मिलता है। ड्यूअल डिस्क ब्रेक, ड्यूअल चैनल ABS, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 181 mm है, जो कि मोर देन एनफ है। इसका प्रैक्टिकलिटी तो अभी हमने आपको दिखा दिया है, उस थोड़ा बहुत पहाड़ के ऊपर चढ़ के। एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत बढ़िया है भाई, मानना पड़ेगा इसका एग्जॉस्ट नोट इट्स वेरी गुड। सामने यहाँ पे आपको ये ऑयल कूल का
ग्रिल मिल जाता है, इंजन पर आपको स्कूप्स मिलने वाले हैं बिकॉज इट इज एयर एंड ऑयल कूल्ड बोथ। दिस इज इट, दिस इज द मीटर। मीटर पे भी आपको बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है। अभी फिलहाल फोन कनेक्टेड नहीं है, फोन कनेक्ट होने से और भी बहुत कुछ हम लोग फीचर इस पे देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम, एवरेज स्पीड, अभी जैसे कि मोबाइल कनेक्टेड नहीं है या फिर कुछ एक मेल फंक्शन हो रहा है जिसके कारण मोड चेंज एरर आ रहा है। यहाँ पे आपको एक स्पेशल एडिशन का बैज भी मिल जाता है। Now, if any of you guys are interested in TVS Ronin, you are most welcome to Current TVS. और आपको अगर sales related कुछ भी inquiry करना है, test ride, sales, EMI options, anything, नीचे आपको एक number मिल जाएगा, आप वहाँ पे जरूर से contact कीजिए and TVS Ronin को अपना बनाइए। खत्म, शूट खत्म, लेट्स चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। नेक्स्ट लोकेशन मतलब क्या, अभी जब तक सनसेट नहीं होता तब तक एक राइड मार लेते हैं बाइक पर, यहाँ से चलाते हैं। बारिश ख़त्म होने का इमीडिएट बाद जो हमें ग्रीनरी देखने को मिलता है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। जस्ट आप सामने देखो, जो ग्रीन है इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखकर। पता नहीं गोप्रो क्या जस्टिस कर रहा होगा क्या नहीं, पर जो मैं आंखों से देख रहा हूँ बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके ऊपर से हेलमेट वाइजर वो भी टिंटेड है, ये सब कलर मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहा है। एक और पॉइंट मैंने आपको मेंशन नहीं किया कि इसका जो सीट है बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कुशन है इस पर। अपना जो MT15 है उसका तो कुशन लेवल एकदम जीरो था, मैंने आफ्टर मार्केट करवाया था एंड उसके बाद भी ये इतना सॉफ्ट नहीं है। अभी इसका सीट जितना स्टॉक पे सॉफ्ट है भाई, TVS ने बनाया बहुत अच्छी चीज़। अभी यहाँ पे खड़ा होके एक दो थंबनेल का फोटोज क्लिक कर लेते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट 6 बजने को है, सन भी पूरा सेट हो जा रहा है इस तरफ। हम लोग भी यहाँ से लेते हैं यू टर्न, इट्स टाइम फॉर यू टर्न एंड गो होम। एंड इसका जो सीट हाइट है वो भी बहुत डिसेंट है, मैं इजीली से मैनूवर कर पा रहा हूँ। एंड ये क्या है, ये तो मुझे रथ दिख रहा है। आपको मैं बता दूँ कि आज जो है फिरा रथ है, जो कि रथ के एक हफ्ते बाद होता है। चलो अच्छा चीज़ भी दिख गया हमें, एग्जॉस्ट नोट गाइस क्या बेज मारता है भाई, तगड़ा। एनीवेज गाइस, अगर आप लोग इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हो वो भी इसी मंथ को, तो आपको मैं खुशखबरी दे देता हूँ, TVS Ronin पर मिल रहा है आपको 10,000 रुपीस का डिस्काउंट, वो भी इंस्टेंट डिस्काउंट। आप विजिट कीजिए शुनाई रोड का करंट TVS, तो आपको ये 10,000 रुपीस का जो इंस्टेंट कैश डिस्काउंट है वो जरूर से मिलने वाला है। आप EMI पे लीजिए बाइक, आप कैश लीजिए बाइक, आपको ये डिस्काउंट मिलने ही वाला है। Boys, we have come to an end of this vlog. Bike का on road price, ex-showroom price, कुछ भी आप लोगों को जानने का मन है तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। व्लॉग देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।